नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 735वां एपिसोड। आज 4 सितंबर की तारीख है। आईपीएल एशिया कप T20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। सारी खबरें, तमाम रिपोर्ट्स हर रोज सबसे पहले लेकर आते हैं। लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो यार, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम खरीदी थी मिनी आईपीएल ऐसे 20 लीग में, और इसका नाम भी कंफर्म हो गया फाइनली, जो हमने बोला था और जिस तरह का लोगो हमने बताया था वैसे ही लोगो कंफर्म हुआ है। जोबर्ग सुपर किंग 6 SK इसका नाम होगा, और इसका लोगो आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज और ग्रीन कलर से इसका लोगो बनाया गया है। CSK जो चेन्नई सुपर किंग्स ओरिजिनल टीम है उसका लोगो येलो और ब्लू कलर से बनाया गया था, तो लोगो एकदम सेम है। CSK की जगह जोबर्ग लिखा हुआ है और सिर्फ रंग चेंज कर दिया गया है, इवन रंग तो और इंडियन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो कुछ और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गए, और जो चीज हमने कही थी उस खबर पर फाइनली एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। मैंने पहले ही बोला था फाफ डु प्लेसिस इनके कप्तान होंगे, स्टीफन फ्लेमिंग इनके कोच होंगे। कल इन्होंने ये ऐलान कर दिया, कल JSK वालों ने, जोबर्ग सुपर किंग्स वालों ने कंफर्म कर दिया कि कोच फ्लेमिंग और प्लेसिस कप्तानी करेंगे इनकी 19 सितंबर को नीलामी। ये देखते हैं ये और कौन कौन से प्लेयर्स को लेते हैं। बाकी बताइएगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में, आप कितने एक्साइटेड हैं इस टीम को लेकर। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से हम बात कर लेते हैं। तो ईस्टर्न कैप, जिसको सनराइजर्स ईस्टर्न कैप भी कहा जा रहा है, जो कि ये जो मिनी आईपीएल इसकी एक और टीम रहने वाली है, इसने अपने कोचिंग स्टाफ को अनवील कर दिया है। आदि बिरेल इनके हेड कोच होंगे, तो वही डेल स्टेन इनके बॉलिंग कोच होंगे। पहले खबर थी कि स्टेन इनके मेन हेड कोच बनने वाले हैं, बट स्टेन ने अपनी जिम्मेदारियों को सिर्फ गेंदबाजी तक ही रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो मोइन अली ने कर दिया है बड़ा खुलासा, और ये झटका दे दिया है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। चेन्नई सुपर किंग्स ने जो JSK जोबर्ग सुपर किंग्स खरीदी है उसमें मोइन अली को भी लिया हुआ था। अच्छा, मोइन अली उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल UAE T20 लीग होने वाली है उसमें भी वॉरियर्स की टीम में खेलने वाले हैं। मोइन अली ने इस पर बयान दिया कि जब दोनों लीग्स अगर एक साथ होती है तो वो जोबर्ग सुपर किंग्स में नहीं खेलेंगे, वो UAE T20 लीग्स में अपनी वॉरियर्स की टीम में खेलेंगे, और जनवरी में दोनों लीग एक समय पर ही एक साथ होगी। मतलब मोइन अली जोबर्ग सुपर किंग्स का हिस्सा जरूर है, पर वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो राशिद खान ने आईपीएल पर बड़ी बात कह दी और आईपीएल को बड़ा क्रेडिट दे दिया। राशिद खान आईपीएल पर बोल रहे हैं कि जो अफगानिस्तान इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका जो सबसे बड़ा रीजन वो आईपीएल है। उन्होंने बोला है आईपीएल इज बिहाइंड द राइज ऑफ फजल फारूकी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उसके पीछे आईपीएल है। राशिद खान खुद जो है उनके पीछे आईपीएल है, मुजीब रहमान के पीछे आईपीएल है, और नबी तो खैर पहले ही आ गए थे लेकिन उनके पीछे भी आईपीएल है। तो आईपीएल ने अफगान टीम बनाई है और इस इंडियन प्रीमियर लीग के लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। सुजीत पाठक, सुजीत भाई ने कलम से एक सवाल पूछ लिया था। सुजीत भाई ने सवाल पूछा था, इंडिया है मेनी ऑप्शंस टू क्रिएट ग्रेट बॉलिंग, सो व्हाई दे डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला। साथ ही इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग का हवाला भी दिया। सुजीत भाई पूछ रहे हैं कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं सचिन, सहवाग, युवी, इनको क्यों भारत की कोचिंग नहीं दी जाती। तो इसका जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग भी अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जी हाँ, आप भी सवाल पूछिए, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे। आईपीएल, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, किसी से भी जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब कल वाली वीडियो में देंगे। कल आप हमारी वीडियो का हिस्सा बनने का मौका मत छोड़िए, करना कुछ नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना है। सुजीत भाई देखो, इसका सीधा जवाब यह है कि ये प्लेयर सबसे बड़ी चीज फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, और राहुल द्रविड़, VKS लक्ष्मण जो अभी रिसेंटली जो राहुल द्रविड़ कोच है वो इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं करते। दूसरी बड़ी चीज कि इनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज बनी हुई है, और अगर ये टीम इंडिया को कोच करते हैं और मान लीजिए टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर इन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू पर पड़ेगा। तो दो रीजंस है, ऑलरेडी ये पैसा बना रहे हैं, ऑलरेडी इनकी ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, ऑलरेडी इनकी फीस ज्यादा है, इसीलिए BCCI इनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता, एंड इसीलिए ये लोग खुद भी नहीं चाहते कोच बनना। इसीलिए हमने देखा है जो भी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेयर रहा है वो अपनी ब्रांड वैल्यू के दम पर ही रहता है और वो कोचिंग नहीं करता है, क्योंकि इससे वो अपने रिकॉर्ड को खराब नहीं करना चाहता। एंड दिस इज द रीजन सुजीत भाई की ये लोग नहीं बनते हैं, BCCI तो खूब चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो एशिया कप में टीम इंडिया को झटका लग गया,
रविंद्र जडेजा आउट हो गए हैं। रविंद्र जडेजा को राइट नी इंजरी हुई है और इसमें स्ट्रेन के चलते उनको बाहर किया गया है, तो जड्डू आउट हो जाएंगे और उनके स्थान पर अक्षर पटेल की टीम इंडिया में एंट्री होगी। अब ये जो बाहर हुए हैं, क्या ये T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? और अगर नहीं खेलते तो भारत को इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। जैसा कि हमने लिखा था, क्या एशिया कप फिक्स है? दो बड़े रीजंस बताऊंगा जिसके चलते आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खुद इस एशिया कप को एक तरह से फिक्स किया है। पहला बड़ा रीजन है, पहली बड़ी फिक्सिंग का रीजन आप देखेंगे वो है कमजोर ग्रुप्स को बनाना। हम देख रहे हैं ग्रुप ए को बहुत कमजोर रखा गया, इंडिया को रख दिया, पाकिस्तान को रख दिया और उसके साथ एक बहुत क्वालिफाइड कमजोर टीम हांगकांग को रख दिया, ताकि इंडिया पाकिस्तान के बीच एक मैच भी हो जाए जिससे ACC रेवेन्यू के जरिए पैसा भी कमा ले और साथ ही इंडिया पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई भी कर जाए सुपर फोर के लिए, क्योंकि जो तीसरी टीम है हांगकांग वो ऑलरेडी बहुत कमजोर है। तो पहली फिक्सिंग इन्होंने शेड्यूल में करी कि इंडिया पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में ही एक कमजोर टीम के साथ एक ग्रुप में रख दिया, ताकि ये दोनों ही टीमें सुपर फोर में पहुंच जाए। फिर दूसरी फिक्सिंग इन्होंने करी सुपर फोर में, इंडिया पाकिस्तान सुपर फोर में पहुंचेगी तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा भी सीधा सीधे एशियन क्रिकेट काउंसिल को होगा, क्योंकि ग्रुप स्टेज में जो एक मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, अब 4 सितंबर को सुपर फोर में भी इंडिया पाकिस्तान का एक मैच हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान मैच होगा तो एशियन क्रिकेट काउंसिल पैसे बनाएगा। तो दूसरी फिक्सिंग इन्होंने यहाँ की। तीसरी फिक्सिंग इन्होंने सुपर फोर के फॉर्मेट में की। सुपर फोर में हर टीम सामने वाली टीम के साथ एक एक मैच खेलेगी, इंडिया भी 3 मैच खेलेगी, पाकिस्तान भी 3 मैच खेलेगी। ऐसी परिस्थिति में सुपर फोर नेट रन रेट पर बहुत ज्यादा आधारित होगा और इससे यह भी कंफर्म हो गया कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का इवेंचुअली अफगानिस्तान और श्रीलंका से बेहतर नेट रन रेट रहने वाला है जब ये चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी। तो सुपर फोर के बाद यह भी ऑल दो 90% कंफर्म है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल होगा। तो इस तरह से पूरे एशिया कप को फॉर्मेट और ग्रुप्स और सुपर फोर में इस तरह से फंसाया गया कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल पैसा कमाए, BCCI पैसा कमाए, UAE वाले पैसा कमाए। जीते कोई भी एशिया कप भाई, किसको फर्क पड़ता है। और एक चीज और बता दो, फिक्सिंग की बात है, ये फिक्सिंग ही मेरा भरोसा इंडिया जीत रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं टीम इंडिया के लिए, एक लाइक तो बनता है आप भी कीजिए। इंग्लिश स्क्वाड आ गई भैया T20 वर्ल्ड कप के लिए, इंग्लैंड की टीम का ऐलान हो गया। ना बेस्टो है, ना ही है रॉय, ना ही है आर्चर, ना ही है एलेक्स हेल्स। अच्छा, बेस्टो का सिलेक्शन हुआ था बट उनको एन मौके पर बाहर किया गया जस्ट बिकॉज कि गोल्फ खेलते हुए चोटे लोग हैं। रॉय का फॉर्म और इंजरी का इशू था, आर्चर ठीक हो नहीं पा रहे थे और हेल्स का खराब फॉर्म से सेलेक्ट नहीं हुए। दसवीं बड़ी खबर की दोस्तों ऐसे बात करते हैं, तो यार महेश दीक्षणा ने श्रीलंका बांग्लादेश मैच के बाद कुछ बड़ी बातें कही जो आपको सुनना चाहिए। महेश दीक्षणा बोल रहे हैं, नो नीड टू हैव वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स व्हेन यू हैव 11 ब्रदर्स। जब आप 11 भाई एक साथ खेलते हैं श्रीलंका के, तो हमारे को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की जरूरत नहीं होती। ये नई श्रीलंका दिख रही है और इस लंका के लिए लायक बनता है, क्योंकि एक मजबूत श्रीलंका पूरी दुनिया की क्रिकेट में बहुत जरूरी है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, बाकी कमेंट बॉक्स में आप सवाल जरूर पूछिए, आपके सवाल का जवाब कल वाली वीडियो में दे देंगे। कल हमारी वीडियो का हिस्सा बन जाना, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए।